कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा में हिमाचल का फोर लेन का पहला टोल प्लाजा शुरू हो गया। टोल प्लाजा 100% फास्ट टैग रहेगा। कार, जीप समेत अन्य छोटे वाहन चालकों को 55 रूपए शुल्क चुकाना पड़ेगा। दो तरफा शुल्क 85 रूपए है। टोल प्लाजा के दोनों तरफ से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का 285 रूपए में एक माह का पास बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 39.5 किलोमीटर थी, जिसमें से 36 किलोमीटर के लिए टोल लगाया गया है। सोलन जिला के सनवारा में फोर लाइन के इस पहले टोल प्लाजा के चलने से अब लोगों को दो बार अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हिमाचल के प्रवेश द्वार परमाणु में पहले से ही एक्साइज विभाग का टोल चुकता करना पड़ता है, वहीं अब इस टोल प्लाजा में भी टोल लेना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी फोर लाइन का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, जिसका भी लोगों को मलाल है। लोगों के अनुसार यदि कार्य पूरा हो जाता है तो उन्हें टोल देना इतना बुरा न लगता। बात करते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर SK शर्मा ने बताया कि हिमाचल में फोर लाइन का पहला टोल प्लाजा सोलन जिला के सनवारा में शुरू कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसी वर्ष जून तक फोर लाइन का कार्य पूरा करने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाएं भी कंपनी द्वारा लोगों को दी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि स्थानीय लोगों के पास बनाने की प्रक्रिया को जल्द आरंभ किया जाए, ताकि उन्हें ज्यादा शुल्क न वसूलना पड़े। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि संबंधित कंपनी फोर लाइन का कार्य पूरा होने पर इस टोल टैक्स को आरंभ करती। उन्होंने कहा कि उन्हें पास बनाने की प्रक्रिया बारे अवगत करवाया जाए। पहले दिन इस प्लाजा पर कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। एम्बुलेंस को भी कुछ देर तक जाम में जूझना पड़ा। समय रहते एम्बुलेंस के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। नवरा टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, हिमाचल का जो पहला टोल प्लाजा है फोर लाइन का। इसमें पूरा प्रोजेक्ट की लंबाई 39.1 किलोमीटर थी, इसमें से 36 किलोमीटर के लिए हमने टोल लगाया है। इसके लिए तो पूरी तरह से 100% फास्ट टैग टोल प्लाजा है। इसमें सारी लेन 8 की 8 लेन टोल प्लाजा की फास्ट लेन है। तो इसके लिए हमने काफ़ी सुविधाएं भी दी हैं पब्लिक को। यहाँ पे पूरी में रिकवरी वैन, हाईवे पेट्रोल, एम्बुलेंस सबकी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। और जो 20 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी यहाँ पे सोलन के डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको मंथली पास भी मिलेगा 285 रुपीज़ का। और बाकी उसके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेट क्या क्या है इसमें? कार के रेट एक साइड के 855 रुपीज़ हैं एक तरफा यात्रा के लिए, और जो बस का है 90 रुपीज़ है। और बाकी सब इसमें एज पर रूल लिया जा रहा है सब कुछ। तो सर, जैसे कि अभी कुछ काम बचा हुआ भी है, तो उसको कब तक पूरा कर लिया? ये इसमें 2-3 काम अभी बचे हुए हैं इसमें। यहाँ पे एक तो जैसे सोलन पे ओवरपास का काम बचा हुआ है, उसको हम जून 2021 तक पूरा कर लेंगे। तो जून 2021 में सारा काम पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा कम्प्लीट। सर, जैसे कि अभी कुमारटी के पास भी फ्लाई ओवर के साथ है। हाँ जी, कुमारटी का फ्लाई ओवर पूरा हो चुका है, बस केवल अप्रोच रोड का काम बाकी बचा हुआ है। तो सभी रोड का काम भी अभी जून तक पूरा कर लेंगे, इसमें कोई नहीं बचा है। इस सनवारे तो टोल टैक्स शुरू हो गया है। लोग कलाने तो पास की गारंटी की है, तो पर्ची कट रहे ने 55 रुपये की एक साइड, अप डाउन की हले ना कर रहे ने। तो इन्हों का हले रोड पूरा नहीं होया, कुमारटी रहा है, रबौन रहा है, तो थले TTR रहा है। घट्टो घट लोकल बंदे नूं तां कोई रिलैक्सेशन मिले। लोगों को तो रिलैक्स मिलना चाहिए जी। और सड़क भी थोड़ी कम है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो जितना मर्जी जल्दी पहुँचना था उतने में लेट हो गए हैं। तो हमें देने का क्या फ़ायदा इसका, जो हमने पे कर रखा पहले? इनकी मशीनें नहीं चल रही। तो ये है भी इनका टोल कार्ड नहीं रीड कर पा रहा है प्रॉपर, गाड़ियाँ रुक रही हैं। दूसरी दिक्कत यह है, लोकल आदमी का जो पास बनना चाहिए, इन्होंने कहा था कि हम 19 तारीख सवेरे 8 बजे से पास बनाएंगे, वो कोई भी पास बनाने की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी कारण जाम भी लग रहा है और लोकल आदमी परेशान हो रहा है। हम डेली पैसेंजर हैं, यहाँ से डेली सर्विस करने परमाणु जाते हैं, तो हमें इस तरह की समस्या आ रही है। पास बनना चाहिए हम लोगों का, यहाँ हमें सुविधा मिलनी चाहिए। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।